अच्छे दिन वाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज, आपके साथ मैं हूं अंजलि। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एक साल के सफर से जो अब तक काफी दिलचस्प रहा। अच्छे दिन वाह। 26 मई 2015 ये वो दिन था जब देश की राजनीति में बदलाव का पहला अध्याय शुरू हुआ। साल 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत के साथ विजय पताका फहराई और इसी सफर को अब एक साल पूरा होने को है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये वो नाम है जिसे कुछ समय पहले तक लोग एक सीएम के तौर पर जानते थे, लेकिन बदलाव, विकास और परिवर्तन के तेज झोंके ने इस नाम को पीएम नरेंद्र मोदी में तब्दील कर दिया। दिनों दिन लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि लोग देश विदेश में भी इस नाम की चर्चा करने लगे। शून्य से शुरुआत कर शिखर तक पहुंचने का ये सफर काफी दिलचस्प रहा। इस सफर के दौरान जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। जहां बचपन में रेलवे स्टेशनों पर चाय बेची, तो वहीं युवा के तौर पर शाखा को चुन लिया। और यहीं से पड़ी वो नींव जो आज एक दृढ़ निश्चय और मजबूती के साथ हम सभी के सामने खड़ी है। एक सशक्त नेता, स्पष्टवादी, दृढ़ निश्चय के तौर पर हमने समय समय पर उन्हें देखा और इन सभी परिस्थितियों में देश प्रेम नजर आया। नरेंद्र मोदी एक अच्छे कवि भी हैं, जो अपने देश प्रेम को कविताओं के माध्यम से बयां करते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से शपथ ग्रहण करने के बाद मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने।
शपथ ग्रहण समारोह इतना भव्य रखा गया था मानो लग रहा था कि कोई राजाभिषेक हो। प्रांगण में चारों तरफ लोग भरे थे। देसी विदेशी मेहमानों को देखकर लग रहा था कि पूरा देश साक्षी है किसी बड़े बदलाव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेलवे प्लेटफॉर्म से लाल किले तक के सफर को भी अब पूरा माना जा रहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से हिंदुस्तान की उस आबादी की बात की जो गांवों में रहती है। उन गांवों की बात की जो देश में 6,38,596 हैं और जहां तकरीबन 83,06,00,000 लोग सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजर बसर करते हैं। मोदी ने यहां से कई नई योजनाओं की शुरुआत की जो गांवों के विकास के लिए थी और उसे नाम दिया गया सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये कोई आखिरी योजना नहीं थी बल्कि ये तो एक शुरुआत थी उस उज्जवल भारत की जिसका सपना मोदी तब से अपनी आंखों में बसाए थे तब वो आरएसएस के छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे। गांवों और गरीबों की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने के लिए कई और योजनाओं की शुरुआत की गई और आने वाले 5 सालों यानी 2019 तक देश में बड़े बदलाव का लक्ष्य रखा गया। जनता से अच्छे दिनों का वादा करने के बाद अब मोदी सरकार के सामने चुनौती थी उन तमाम वादों को पूरा करने की। सत्ता संभालते ही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की और उसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई योजनाओं की। काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई, स्मार्ट सिटी, ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें अब धरातल पर उतारने की बारी थी। अच्छे दिन, अच्छे दिन। मोदी सरकार आने से पहले जनता के सामने उन समस्याओं को रखा गया था जिनसे जनता लगातार जूझ रही थी। विकास के नाम पर खुली चुनौती थी और सामने था गुजरात मॉडल। पाकिस्तान और चीन की हिमाकत पर यूपीए सरकार की चुप्पी को भी बड़ी वजह बनाया गया। ऐसे में सरकार को उम्मीद से बेहतर करना था, इसकी शुरुआत कर दी गई थी और एक ही साल के भीतर कुछ बेहतर कदम भी उठाए गए। जनधन योजना, इस योजना की शुरुआत शहर से लेकर गांव तक हर गरीब परिवार का बैंक खाता खोलने के लिए की गई और कुछ ही समय में इससे करोड़ों लोगों को जोड़ लिया गया। एक दिवस में 1.5 करोड़ नागरिकों के खाते खुलना ये शायद बैंकिंग इतिहास का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। एक ऐसा अचीवमेंट है जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को नहीं, शासन व्यवस्था में जुड़े हुए हर व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को अनेक गुना बढ़ा देगा। स्वच्छ भारत अभियान, देश के आदर्श महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर ही इसे शुरू किया गया और उनकी 150वीं जयंती यानी 2019 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। पूज्य बापू का, क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। क्या सफाई, इस देश को गंदगी से मुक्त करना, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? ये स्थिति बदलनी है। 125 करोड़ देशवासी जैसे भारत माता के संतान है, प्रधानमंत्री भी पहले भारत माता का संतान है, बाद में प्रधानमंत्री है। और इसलिए इस मां के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है, हम हमारे देश को ऐसा न रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, 23 जनवरी को इस योजना के शुरू होते ही ये सुनिश्चित हो गया कि बेटी अब बोझ नहीं है।
इस योजना के तहत बेटी के लिए जमा किए गए रुपयों पर अधिक ब्याज मिलेगा और आयकर भी नहीं देना होगा। मेक इन इंडिया, ये कोई अभियान नहीं था, ये वो सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके तहत देश में उत्पादन बढ़ाया जाए। वो चीजें जो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, वो सभी चीजें अपने यहाँ पर तैयार की जाए। हमारी कोशिश है ABCD कल्चर से एक ऐसे रोड मैप पर जाएं जिसमें सक्सेस ही सक्सेस हो। और जब मैं सक्सेस ही सक्सेस के रोड की बात करता हूँ, तो मैं उस रोड की चर्चा करता हूँ जिसमें ROAD, R रिस्पॉन्सिबिलिटी, O ओनरशिप, A अकाउंटेबिलिटी, D डिसिप्लिन। ये रोड मैप पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अटल पेंशन योजना, ये योजना उन खाता धारकों के लिए लाई गई थी जिनकी आमदनी टैक्स योग्य नहीं थी। इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को 1,000 से लेकर 5,000 तक पेंशन पाने का विकल्प दिया गया और ये पेंशन 60 साल की उम्र से शुरू की जाएगी। इसी के साथ कुछ और बदलाव किए गए योजनाओं में, कुछ नई योजनाएं शुरू की गई, कुछ बंद कर दी गई। UPA सरकार की कुछ पुरानी योजनाओं को जारी रखा गया, इन योजनाओं के लिए नया बजट लाया गया। जैसे गंगा सफाई के लिए 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, 100 नए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 7,060 करोड़ दिए गए, ग्रामीण आवास विकास के लिए 8,000 करोड़ का बजट रखा गया, तो वहीं बुलेट ट्रेन लाने के लिए भी अतिरिक्त बजट तैयार किया गया। मौसमी बदलाव से खराब हुई किसानों की फसलों को और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए भी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया और बड़ी मात्रा में किसानों को ये मुआवजा दिया गया। नई योजनाओं को लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए, नई योजनाएं लागू भी की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में पहले ही कह चुके थे कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। इसी जज्बे का हर कोई कायल नजर आया और यही वजह थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह अब अमेरिका तक रहा था। यहीं से चल निकला विदेशी दौरों का एक नया दौर। प्रधानमंत्री बनने के बाद पड़ोसी देश भूटान से लेकर नेपाल, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, चीन, मंगोलिया, साउथ कोरिया जैसे देशों का दौरा किया गया, भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, मेक इन इंडिया का सपना साकार हो सके, इसके लिए निवेश के नियमों में भी बदलाव कर दिए गए। मेक इन इंडिया के विजन को मोदी जहां गए वहीं सबके सामने रखा गया, जिसके चलते कई देशों ने इस विजन के तहत बड़ा निवेश करने का ऐलान कर दिया, तो कई देश इस विजन से काफी प्रभावित नजर आए। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल में ही करीब 50 देशों का दौरा किया, लेकिन अगर कुछ प्रमुख समझौतों और दौरों की बात करें तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भूटान को चुना गया। मोदी पिछले 34 सालों में सेशेल्स की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। अमेरिका में जिस भव्यता के साथ स्वागत हुआ, राजनीतिक इतिहास में वो भी पहली बार था। ऑस्ट्रेलिया, फिजी और म्यांमार से भी रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की गई। जर्मनी, कनाडा और फ्रांस में भी मोदी का जलवा साफ दिखाई दिया। जहां नेपाल मोदी के रंग में रंगा नजर आया, तो वहीं चीन में भी मोदी मोदी सुनाई दिया। चाहे मंगोलिया, साउथ कोरिया या फिर मॉरिशस, सिंगापुर हो, कोई मोदी का मुरीद था तो कोई मोदी विजन का दीवाना। अगर समझौतों की बात करें तो लगभग सभी देश मेक इन इंडिया से काफी प्रभावित नजर आए और यही वजह थी कि हर किसी ने खुलकर निवेश करने की बात की।
जहां जापान ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम करने की हामी भरी, तो वहीं स्मार्ट सिटी का सपना भी अब सपना नहीं रहा। फ्रांस से मोदी राफेल नडाल विमान लेकर आए, तो रक्षा और परमाणु क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए। नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से देश को रोशन करने के लिए मदद मांगी गई, यानी बिजली परियोजनाओं पर कई अहम समझौते किए गए। जर्मनी के हैनोवर में उद्योगपतियों को भारत आने का न्योता दिया गया, तो वहीं कनाडा में शिक्षा संबंधी कई समझौते हुए। चीन के साथ मिलकर थिंक टैंक बनाया गया, तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने के भी साथ साथ वादे किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी दौरों के दौरान योग को भी एक नई पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे और समझौते जितनी सुर्खियां बटोरते नजर आए, उतना ही चर्चा में रहा उनका ड्रेसिंग स्टाइल। यूं तो पीएम जिस देश गए उसी देश के भेष में रंगे नजर आए, लेकिन नरेंद्र मोदी का कुर्ता और खादी की जैकेट जैसे लोगों को काफी पसंद आया। मोदी के इसी स्टाइल को देखते हुए कई पत्रिकाओं ने उन्हें युवाओं का स्टाइल आइकन कहना शुरू कर दिया। इसके बाद तो जैसे बाजारों में होड़ लग गई, हर कोई मोदी कुर्ता और मोदी जैकेट पसंद करता हुआ देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे कर रहे थे, तो विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का घेराव कर रहा था। जहां एक तरफा मोदी सरकार दावे कर रही थी तरक्की के, विकास के, तो वहीं दूसरी तरफा विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव कर रहा था। काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो पूरे साल भर मोदी सरकार के गले की फांस बने रहे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। किसी ने मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कहा, तो कोई उद्योगपतियों की सरकार कहता नजर आया। मुद्दा चाहे भूमि अधिग्रहण बिल का हो, किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे का हो, या फिर बढ़ती महंगाई का, विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा बरपाया। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। एक साल के दरमियान मोदी सरकार की हर नीति का विरोध हुआ। कभी विपक्षी सरकार की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए, तो कभी योजनाओं की वाहवाही होने पर इसे अपनी योजनाएं बताकर मोदी सरकार पर अपनी योजनाओं के नाम बदलने के आरोप जड़ दिए गए। इसी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को भी कभी स्थगित करना पड़ा, तो कभी सदन में सत्र के समय को बढ़ाया गया। विपक्ष के अड़ियल रवैये का नतीजा ये रहा कि एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी भूमि अधिग्रहण बिल राज्यसभा पटल के बजाय स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। हमारी जिस निर्णय का आप सबसे अधिक विरोध कर रहे हो और उसमें आपको कॉरपोरेट दिखता है, उसमें कॉरपोरेट नहीं, किसान है। अर्थव्यवस्था के संचालन में और इस देश के संघीय ढांचे को बरकरार करने में हमारी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ये सूझबूझ की सरकार है और इसमें कोई गलत फहमी ना रहे। वैसे एक बात तो तय रही, ये साल सरकार के लिए थोड़ा मुश्किलों भरा रहा। लोकसभा में कम संख्या होने के बावजूद कांग्रेस अब हर मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करती दिखी। सदन हो या फिर सड़क, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी नए अवतार में नजर आए। खोई जमीन पाने के लिए कांग्रेस को राहुल के सहारे की जरूरत थी, तो राहुल को अपनी राजनीतिक चमक बरकरार रखने के लिए एक आंदोलन की जरूरत। भूमि अधिग्रहण बिल के विवाद ने राहुल एक नए अवतार में दिखने का भरपूर मौका दिया। मोदी सरकार के समय में किए गए कामों और आंकड़ों की बात करें, तो हकीकत और दावों में थोड़ा अंतर जरूर नजर आया। जैसे महंगाई के मुद्दे पर काबू पाने के लिए सरकार ने 1,00,000 टन अनाज को बाजार में उतारा, जमाखोरों पर कार्रवाई की गई, मार्केट नियम कानूनों में बदलाव किया गया, लेकिन बावजूद इसके
आटे, दाल, चावल के जो दाम थे उनमें गिरावट नहीं आई। ऐसे ही गंगा सफाई अभियान को शुरू करने के लिए खाका तैयार कर लिया गया, 2000 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कड़ी फटकार लगानी पड़ी। स्वच्छता अभियान जो बड़े स्तर पर शुरू जरूर किया गया, लेकिन बाद में सेलिब्रिटी की फोटो और सेल्फी के साथ इस अभियान को सिमटते देखा गया। लोकसभा चुनावों के समय जो वादे किए गए, साल होते होते उन्हें पूरा करने का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन दावों से हकीकत अभी कोसों दूर थी। महंगाई को लेकर दावा किया गया कि महंगाई को काबू में रखने के लिए बाजार में 10 लाख टन अनाज लाया गया, जमाखोरों पर कार्रवाई की गई, 500 करोड़ रुपए से कीमतों को स्थिर रखने के लिए अलग निधि जीवन, आवश्यक वस्तु कानून और मार्केट कमेटी कानून में बदलाव किए गए। लेकिन हकीकत ये थी कि अनाज की सप्लाई के बाद भी आज चावल, आटा, दालों की कीमत में कोई कमी नहीं आई, सब्जियों और फलों के दाम भी महंगे हो गए। गंगा सफाई को लेकर दावा किया गया कि गंगा सफाई का खाका तैयार हो चुका है, 2000 करोड़ रुपए की वित्त योजनाएं भी आवंटित कर दी गई। लेकिन हकीकत में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल देते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले गंगा सफाई को बेहद जरूरी बता रही सरकार अब ये भूल गई है कि गंगा सफाई जरूरी है। किसानों की मदद दावा ये किया गया कि किसानों के लिए 8 लाख करोड़ का कृषि कर्ज, सॉयल हेल्थ कार्ड, किसानों के लिए टीवी चैनल, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना किसानों को लाभकारी मूल्य पर दी जाएगी। लेकिन हकीकत में केंद्र की मदद के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गन्ना किसानों के हजारों करोड़ अभी भी चीनी मालिकों के पास फंसे हैं। यूपीएससी परीक्षा में सबको समान अवसर और न्याय देने के लिए प्रारंभिक सुधारों की बात की गई, लेकिन परीक्षा में अंग्रेजी के सवाल हटाए जाने के बावजूद छात्र असंतोष नजर आए। सभी भारतीय भाषाओं में प्रश्न पत्र को लाने की मांग की गई। रेलवे सेवा दावा किया गया कि उधमपुर कटरा रेल सेवा का प्रारंभ किया गया है, लेकिन हकीकत में रेल रूट का उद्घाटन इस साल 2 फरवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों होना था, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से ये तब नहीं हो पाया, जिस वजह से 4 जुलाई को नरेंद्र मोदी को इसका मौका मिला। WTO के मंच पर गरीबों के हित की रक्षा, विश्व व्यापार संगठन के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर न करके भारत के किसानों और गरीबों के हित की बात की गई, लेकिन हकीकत में सरकार ने सब्सिडी के मुद्दे पर UPA सरकार का ही रुख बरकरार रखा। इस मुद्दे पर दोनों की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया। एम्स जैसे अस्पताल दावा किया गया कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एम्स जैसे अस्पतालों की स्थापना की जाएगी, लेकिन हकीकत ये थी कि पटना, रायपुर, ऋषिकेश, जोधपुर में स्थापित हो चुके एम्स अभी सुविधाओं का अभाव झेल रहे थे। रेल यात्रा को लेकर दावे किए गए, यात्रियों की सुरक्षा के, सुविधाओं के, संरक्षा के, बुलेट ट्रेन दौड़ाने की, लेकिन हकीकत में इसी साल जून में रेल किराए में बढ़ोतरी की गई। यात्री किराया 14.2 और माल भाड़ा 6.5% तक बढ़ा दिया गया, लेकिन रेल में यात्री सुविधाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अहमदाबाद मुंबई के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के संभावित खर्च यानी करीब 7000 करोड़ रुपए को लेकर भी सवाल खड़े किए गए कि कैसे ये लागत रेलवे निकाल पाएगा। मोदी सरकार लोकसभा चुनावों के दरमियान जिन वादों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आई थी, उन मुद्दों को धरातल पर उतारने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई, तो जनता को अच्छे दिनों का अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। और वैसे भी एक समय में मोदी सरकार के कामकाज का आकलन करना थोड़ा जल्दबाजी होगा, इसीलिए उम्मीद रखिए आने वाले समय में अच्छे दिन जरूर आएंगे।
अच्छे दिन, अच्छे दिन। वाह,